आप मुझे मिल गए, सीधी सी बात मैं अनुभव कर रहा हूं, या तो आप भगवान ही हैं, भेष छिपा के आ गए। आप भेष छिपा के आ गए हैं। हनुमान जी बोले, सही बात बताएं, हम भगवान नहीं हैं। विभीषण जी बोले, तो आप भगवान के दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अस होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयउ मोहि करन बड़ भागी। या तो आप राम जी के दास हैं। हनुमान जी बोले, हम राम जी के दास भी नहीं हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप राम नहीं हैं, राम जी के दास नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरी आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं सत्य ही बोलता हूं, संकल्प ही लिया है मैंने सत्य बोलने का। विभीषण जी ने कहा, ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि आप सत्य बोलते हैं, जो राम के भक्त होते हैं वो सत्य ही बोलते हैं। क्यों भाई, धर्म ने दूसरा सत्य समाना, धर्म के बराबर कोई दूसरा, सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जो सत्य बोलता रहता है वह धर्म स्वरूप हो जाता है, वही संसार में धर्म स्वरूप हो जाता है जो सत्य बोलता है। अब समस्या इस बात की है कि आजकल लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, किसी कारण को लेकर के झूठ बोले तो बात समझ में भी आती कि फलाना कारण बन गया था इसलिए झूठ बोले। लेकिन आजकल तो अकारण में झूठ बोलते हैं लोग, कोई कारण भी नहीं है, मतलब नहीं है, फिर भी अकारण में झूठ बोलते हैं। हैं, जैसे मोबाइल हाथ में लिए, कहां हो, हम तो यहां से 500 किलोमीटर दूर हैं। अरे भैया, झूठ क्यों बोल रहे हो, नहीं हम सत्य बोल रहे हैं। और थोड़ी देर में हंसते हुए सामने आ जाते हो तो वो कहता, क्यों, अभी अभी तुम कह रहे थे, क्या प्लेन को भी तुमने फेल कर दिया, 500 किलोमीटर से तुम 5 सेकंड में आ गए हो कैसे। तो कहते हैं, मैं तो हंस रहा था। बोलो बदतमीजी है कि नहीं, ये क्या है, मैं तो हंस रहा था, तुमसे मजाक कर रहा था। बोलो भाई, झूठ बोला कि नहीं बोला। अरे तूने मजाक किया, फालतू का कोई मतलब नहीं था, तेरे सत्कर्म नष्ट हो गए, तेरे पुण्य नष्ट हो गए। बोलो, असत्य से तू जुड़ गया, ऐसा मजाक किस काम का, कोई सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है क्या। बोलो भाई, सत्य और धर्म के साथ भी आज सत्य के साथ भी मजाक हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोल रहा है झूठ है। वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, सत्य ये था कि वो 5 कदम दूर था, लेकिन 500 किलोमीटर की बात कर रहा था, था वो 5 कदम दूर। मतलब सीधी सी बात ये है कि वो कहता है मैं मजाक कर रहा था। खबरदार, कभी भी सत्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य बोलना सीखें। और यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो उसको टालने की कोशिश करो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में अकारण असत्य बोलने का संकल्प हो जाएगा, अकारण असत्य बोलने की आदत पड़ जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। अकारण असत्य बोलना पहले बंद करो, अकारण असत्य बोलना पहले तुम बंद करो। अकारण असत्य बोलने वाली आदत जिस दिन तुम खत्म कर दोगे, उसी दिन से सदा सत्य बोलना तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं सत्य ही कह रहा हूं, मैं राम जी का दास नहीं हूं, ना मैं राम हूं ना मैं राम का दास हूं। तो विभीषण जी ने कहा, फिर आप कौन हैं। हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर के कहा कि मैं राम नहीं हूं, राम का दास नहीं हूं, राम के दासों का दास दासानुदास हनुमान हूं, यही मेरा परिचय है, मैं दासानुदास हनुमान हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। बड़ो, सब कुछ होने के बाद भी कितने सरल हैं, सब कुछ होने के बाद कितने विनम्र हैं। बोलो, हैं विनम्र कि नहीं। अरे भैया, आज थोड़ा सा किसी को कुछ प्रभाव मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है,
कोई परिचय समाज में हो जाता है तो लोग अभिमान करने लगते हैं, वो अपना परिचय पता नहीं कितने प्रकार से देने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज का प्रभाव चारों युग प्रताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा, चारों युगों में हनुमान जी का प्रभाव है। लेकिन इतना प्रभाव होने के बाद भी हनुमान जी का परिचय यही है कि मैं दासानुदास हनुमान हूँ, प्रभु राम के दासों का दास हूँ। ये होना चाहिए विनम्रता। तो सीधी सी बात यह है कि अभिमान व्यक्ति को दूर करता है, धन अभिमान से जोड़ता है। बस जीवन में भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे जीवन में धर्म आ जाए। अगर धन आएगा तो धन अभिमान से जोड़ेगा, और धर्म आएगा तो वो भगवान से जोड़ेगा। इसलिए भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। और जो भगवान से जुड़ जाते हैं, अच्छा सही बताना जरा, भगवान से जो जुड़ जाते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? किस बात की कमी रहती है बोलो जरा? जो भगवान से जुड़ जाते हैं तमाम प्रमाण हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और संतों की भी बात कर रहा हूँ। ये राम बालक दास जी महाराज बैठे हैं, घर से क्या लेके आए थे, हम घर से क्या लेके आए थे, लेकिन भगवान से जुड़े तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। बोलो कोई कमी है? जल्दी बताना, कमी है किसी बात की? कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। मैं कहता हूँ भगवान से जुड़ जाओ तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान से जुड़ जाओगे, अनन्य भाव से जुड़ जाओगे, भगवान की जिम्मेवारी है कि संपूर्ण योगक्षेम भगवान वहन करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सदा भगवान से जुड़ो। भगवान से जुड़े रहोगे तो धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन अभिमान दूर हो जाएगा, भगवान तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए अभिमान से कोसों दूर रहने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी महाराज सत्य तो यही है, लेकिन आज मेरा जीवन धन हो गया। विभीषण जी ने कहा कैसे? कह मेरा जीवन इसलिए धन हो गया कि आप जैसा संत मुझे मिल गया। विभीषण जी ने कहा कि निश्चर वंश जन्म कुल त्राता, राक्षस वंश में हम पैदा हुए, तो जब निश्चर वंश में पैदा हुए तो हम काहे के संत? किस प्रकार से आप कह रहे हो कि मैं संत हूं? हनुमान जी ने कहा एक बात बताऊं, अगर कोई तीर्थ में रहकर साधु कोई तीर्थ में रहकर भजन करे, ये विशेषता नहीं है। विशेषता है क्या? तीर्थ में तो तमाम साधु कर रहे हैं, वहां तो भजन ही के लिए जगह बनाई गई है। तीर्थ में रहकर हनुमान जी कह रहे हैं, सुनते जाना कान खोलकर, तीर्थ में रहकर कोई साधु भजन करता है ये उसकी विशेषता नहीं है। अनुकूल वातावरण में रहकर यदि कोई साधु भजन करता है ये उसकी विशेषता नहीं है। सज्जनों के बीच में रहकर, धार्मिक लोगों के बीच में रहकर अगर वो भजन करता है तो ये विशेषता नहीं है, बल्कि दुर्जनों के बीच में प्रतिकूल वातावरण होते हुए भी अगर कोई भजन करता है वो असली संत माना जाता है। लंका में वातावरण प्रतिकूल है, दुर्जन राक्षस रहते हैं, इन राक्षसों के बीच में आप रहकर भजन कर रहे हैं, ये